अब हम करेंगे ग्लोसरी गे, जी ए वाई गे, गे यानी खुश मिजाज। एम आई जी एच टी माइट, माइट यानी पराक्रम शक्ति। हर्ब्स एच ए एल वी ई एस, हर्ब्स यानी आधे टुकड़े भी होता है, अधूरा मन भी होता है, ठीक है। अब है उसके बाद में रूल, आर यू एल ई रूल, रूल यानी नियम। मोमेंट एम ओ एम ई एन टी एस मोमेंट्स, हफ्ते उस समय। ट्राइफल अबे टी आर आई एफ एल ई ट्राइफल, ए डब्ल्यू ए वाई ट्राइफल अबे, इन दोनों को मिलाकर के बना ट्राइफल अबे यानी बर्बाद हमारे एक्टिविटी। ये लिखा है टॉक टू योर फ्रेंड, ठीक है, टॉक टू योर फ्रेंड, क्या आप बातें करते हो जब आपके रीडिंग इन द क्लास, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई करते समय क्या हम अपने दोस्तों से बात करते हैं? नो, नहीं, जब पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है टॉक टू योर फ्रेंड, नहीं, प्ले विथ योर फ्रेंड्स, जब विद्यालय कक्षा चल रही है और आप अपने दोस्त के साथ खेलेंगे, नहीं। लिसन टू योर टीचर, क्या अपने अध्यापक या आचार्य जी या दीदी जी भैया जी को सुनेंगे? यस, हाँ सही बात है। क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं। रीड योर सब्जेक्ट बुक, यस, आप अपने सब्जेक्ट यानी विषय की किताब को पढ़ेंगे? यस। विद्यालय लगा हुआ है तो हम कक्षा में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, कब खेलते हो अपने दोस्तों के साथ में, आप कब खेलते हो, ठीक है। तो ये हम कब खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वी प्ले, ठीक है, वी यानी हम, प्ले यानी खेलना, विथ यानी साथ में, आवर फ्रेंड्स यानी हमारे दोस्तों के साथ में, व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ प्लेइंग, खेलने के समय होता है जब, तब हम उनके साथ में खेलते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, जब क्या होता है कि आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, ठीक है। तो इफ, इसका आंसर है इफ वी डू नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क, अगर हमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो क्या होगा, इन टाइम आवर टीचर्स विल बी एंग्री विथ अस, हमारे ऊपर जो दीदी जी या भैया जी होंगे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। ये थे हमारे अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोयम। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो एक एक स्पेलिंग नहीं लिखी होती, उस स्पेलिंगों को हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पहली स्पेलिंग है हैप्पी की, तो एच ए पी पी वाई, तो एक खाली स्थान पे हमें ए भरना है। अब बी नंबर है एम, फिर उसके बाद में खाली जगह दी हुई है तो हमें आई लगाना है और स्पेलिंग पूरी हो जाएगी एम आई जी एच टी। अब सी नंबर का है हाउस की स्पेलिंग है ये, तो इसमें लिखना है एच ए एल वी ई एस हाउस। डी है एम ओ एम ई एन टी एस। अब है ई नंबर ट्राइफल, टी आर आई एफ एल ई ट्राइफल। अब है हमें मैच द करना है। बी नंबर है रीड द पोयम अगेन एंड मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी ए के साथ में बी का जो सही है आंसर उसके साथ में उसको जोड़ना है। तो पहला हमारा है
ऑल दैट यू डू, उसको हमें जोड़ना है डू इट विल ऑफ योर माइट, मोमेंट्स आर यूजलेस, तो उसके साथ में हमें ट्राइफल अवे जोड़ना है, वन थिंग ईच टाइम, तो इसके साथ में हमें जोड़ना है एंड दैट डन वेल, थैंक्स, अब है चौथा नंबर का ये फोर नंबर, थैंक्स डन बाय हाफ्स, अब उसके साथ में हमें जोड़ना है आर नेवर डन राइट, इसमें नए नए बॉक्स में बहुत सारे गेम डाल रखे हैं, देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इनडोर गेम्स, आउटडोर यानी जो बाहर खेले जाते हैं यानी मैदान में खेले जाते हैं, इनडोर यानी जो घर के अंदर भी हम खेल सकते हैं, यानी इनको मैच ये जो बॉक्स है इसमें से निकालना है और इस सर्कल में भरते जाना है, हमें सर्कल में भरना है, ठीक है, तो दो सर्कल बने हुए हैं हमारी किताब में, एक तो आउटडोर का आउटडोर गेम्स है, दूसरा बना हुआ है इंडोर गेम्स, तो आउटडोर गेम्स में देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, बाहर खेलते हैं ना, घर में तो नहीं खेलते, अब है खो खो, तो खो खो भी हम बाहर खेलते हैं, फुटबॉल फुटबॉल भी बाहर खेलते हैं, फिर उसके बाद में है बास्केटबॉल, कबड्डी और टेनिस, ये सब हम बाहर खेलते हैं, तो ये इसको हमने आउटडोर में डाल दिया है, ठीक है, अब है इंडोर, इंडोर यानी घर में बैठ करके हम क्या क्या खेल सकते हैं, स्नेक लैडर है, लूडो है, चेस है और कैरम है, ठीक है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच, प्रत्येक के लिए दो दो एक ही समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लिख सकते हैं आगे, यानी उन्होंने फर्स्ट दिया है प्ले, ठीक है, तो प्ले के मिलता जुलता एक अक्षर बनेगा क्ले, आप बोलिए फिर उसके बाद क्या बन सकता है, प्ले बन गया, क्ले बन गया, अब स्ले बन गया, माइट है दूसरा नंबर माइट, अब बोलिए क्या बनेगा, माइट से माइट की तरह ही बोलना है राइट, ठीक है, फिर दूसरा बन जाएगा फाइट, अवे वेल तो बन जाएगा टेल, सेल गुड है तो गुड के ही बोलना है, गुड की तरह सोचिए सोचिए दिमाग लगाइए अपना, गुड की तरह बन गया वुड, वुड की तरह बन गया फूड, अब जैसे पेन है तो पेन की तरह क्या बनेगा टेन, और टेन की तरह कैन, अब बैट है, ठीक है, तो बैट, बैट That बन गया, फिर बन गया कैट, अब सिंग है तो सिंग का बन गया रिंग, विंग, कॉल का बन गया हॉल, बॉल, ठीक है, ये था हमारा